उत्तराखंड राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड राज्य के माननीय शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक जी, स्टेज पे उपस्थित सभी मान्यवर, सभी अधिकारीगण और ख़ास करके पूरे देश से आए हुए देश की स्मार्ट सिटीज टीम के सभी सदस्य, मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, देहरादून स्मार्ट सिटी का धन्यवाद देता हूं और ईटी गवर्नमेंट और एचपी जिन्होंने ये बहुत बढ़िया एक और काफ़ी ज़रूरी ऐसा एक कॉन्फ्रेंस यहां आयोजित किया है। वक्त कम है इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले हर कॉन्फ्रेंस में ये बात हमेशा आती है कि आखिरकार हम स्मार्ट सिटी में करना क्या चाह रहे हैं, और क्योंकि मैं पूरे देश भर में विभिन्न शहरों में जाता हूँ तो चार प्रमुख चीज़ें जो हर शहर में जाने से मुझे समझ में आई वो मैं यहाँ रखना चाहूँगा बहुत संक्षिप्त में। जो पहली परिभाषा जो बहुत बढ़िया कई सारे शहरों में इम्प्लीमेंट की जा रही है वो सिर्फ दो शब्दों की है, स्मार्ट सिटी इज़ अ सिटी विच वर्क्स इज़ द परिभाषा। मतलब जो शहर काम करता है अपने नागरिकों के लिए, अगर नल खोला तो पानी आता है, स्ट्रीट लाइट है तो उसमें से बिजली आती है, रास्ता है तो मोबिलिटी अच्छा है, तो वो स्मार्ट सिटी है। और एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जिससे कि कहीं भी ऐसे इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल डिस्कशन में ना पड़ते हुए हम काम पे लग जाते हैं, जो इम्प्लीमेंटर है उसका ये डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन बहुत बढ़िया जो सामने आता है वो बोलते हैं अफोर्डेबल एक्सेलेंस। कई बार हम समझते हैं कि जो चीज़ अफोर्डेबल है वो अच्छी नहीं है, कहीं पर कॉस्ट कम करने में हम लोग जो है उसकी गुणवत्ता को कम करते हैं, ऐसा नहीं है। अफोर्डेबल एक्सेलेंस, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो गरीब से गरीब इंसान तक भी पहुंच गया है और अमीर से अमीर व्यक्ति तक भी है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हर आदमी को उपलब्ध हो सकें, तो जब हमारे शहर घर की व्यवस्था, अच्छे पानी की व्यवस्था, अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, अच्छे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हर इंसान तक पहुँचा देंगे, उसके इनकम की फिक्र ना करते हुए उसको ये उपलब्ध हो जाएंगी, वो शहर स्मार्ट बन जाएंगे। तीसरा जो डेफिनेशन अच्छा मैं मानता हूँ वो ये है मोर फ्रॉम लेस का डेफिनेशन, कि आप कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों में लोगों के लाइफ्स में पॉजिटिव आप चेंज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आउटकम्स अचीव करें, कम एनर्जी खर्च करके कम से कम पैसों में संसाधनों में ज़्यादा आप आउटपुट उपलब्ध करा पाएँ, ये तीसरा एक डेफिनेशन है। और सबसे बढ़िया डेफिनेशन जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 25 जून 2015 को जब ये मिशन लॉन्च किया था तब उन्होंने एक सिंपल से व्यक्ति को समझ में आए उस भाषा में बोला था कि जब आप किसी रेलवे इंक्वायरी काउंटर पे जाते हैं और वहाँ उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हैं उससे, तो वो आपके क्वेश्चन का ना सिर्फ आंसर देता है बल्कि आपको दो और बातें बताता है जो शायद आपके अगले क्वेश्चन हो सकते थे, तब आप इंस्टेंटली उस व्यक्ति को मन ही मन में स्मार्ट बोलते हो। उसी तरह से जो शहर न सिर्फ आज की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं पर आगे का सोच करके नागरिकों को कल क्या चाहिए होगा वो सोच करके काम कर रहे हैं वो स्मार्ट है। सो अफोर्डेबल एक्सेलेंस विच वर्क्स मोर फ्रॉम लेस एंड नॉट ओनली प्रेजेंट बट फ्यूचर, ये चार परिभाषाएँ सबसे अच्छी लगती है मुझे स्मार्ट सिटीज़ की। सर, उत्तराखंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा, देहरादून हमारी रैंकिंग के सिस्टम में 99 क्रमांक पे था करीबन 8 महीने पहले और आज सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए 32वें क्रमांक पे आ गया है और पिछले 6 महीने में वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग सिटीज़ इन द कंट्री रहा है। सो देहरादून का मैं मन से अपने तहे दिल से जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपने राज्य में जो लीडरशिप दी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 10 भी शहर ऐसे नहीं हैं जिन्होंने 100% अपने प्रोजेक्ट टेंडर कर दिए हैं, उसमें देहरादून शामिल हो गया है। सो पूरे देश में हम अब देहरादून का नाम लेते हैं कि जिस गति से देहरादून में काम हो रहा है वैसे हर जगह पे किया जाए। पूरे देश के बारे में बताना चाहूँगा सर कि आज के डेट में 100 शहरों ने मिलकर करीबन 1,40,000 करोड़ के कामों के टेंडर कर दिए हैं। करीबन 1,01,000 करोड़ के काम आज हमारे ग्राउंड पे अलग अलग स्टेजेस पे हैं और 20,000 करोड़ के काम खत्म हुए हैं। ये सिर्फ 2.5 साल की जर्नी है हमारी और अगले 2.5 साल में हमारा प्रयत्न है कि पूरे 2 लाख करोड़ के काम हमारे
ग्राउंड पे आएं, और सबसे बड़ी जो परिभाषा है स्मार्ट सिटीज़ की जो इन सब चीज़ों के परे है, वो लोक केंद्रित शहर, क्या जो शहरवासियों के लिए शहर होता है वो स्मार्ट सिटी होता है, वो हम लोग वास्तविकता में सार्थक करके दिखा पाएंगे। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा सिटी कब स्मार्ट होगा, कई जर्नलिस्ट आके मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा सिटी सबसे स्मार्ट हो गया है भारत में, तो मैं उसका यही उत्तर देता हूँ कि आपका ही सिटी सबसे स्मार्ट है, क्योंकि आप एक नागरिक के रूप में ये सवाल कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शहर के नागरिक ये पूछ रहे हैं कि मेरा शहर कब स्मार्ट होगा और मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ, वही शहर स्मार्ट है, उसकी स्मार्टनेस की और कोई परिभाषा नहीं है। और ऐसा कोई शहर इस दुनिया में नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं पूरी तरह से स्मार्ट हो गया हूँ। शायद हमारे जीवन काल में, आपके बच्चों के जीवन काल में, आपके बच्चों के जीवन काल में भी ये वक्त नहीं आएगा कि कोई कहेगा कि मेरा शहर पूरा स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट कभी एक दिन में होता नहीं, स्मार्ट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, स्मार्ट एक जर्नी है, आप जो है एक रास्ते में चले हैं। स्मार्ट ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, स्मार्ट ये है कि आप कैसे कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि प्लास्टिक मुक्त और गुणयुक्त जल की बात की जा रही है, यही बातें स्मार्ट है जो आज की ही पीढ़ी को नहीं, अगली पीढ़ी को जो है हम अच्छा शहर उपलब्ध करके दे सकते हैं। तो सर इन्हीं बातों से मैं खास करके, जैसे वन सिटी वन इम्पैक्ट की बात की गई, तो पिछले 100 दिनों में नए सरकार के आने के बाद में 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरे भारत भर में वन सिटी वन इम्पैक्ट में सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर को हम लोग पूरे भारतवर्ष का 100 दिनों का रिपोर्ट जाहिर करेंगे, और उसमें स्मार्ट सिटीज़ के वन सिटी वन इम्पैक्ट में किस तरह से 2 करोड़ लोगों तक स्मार्ट सिटी की व्यवस्था के माध्यम से हम लोग अच्छा कुछ उनके जीवन में कर पाए, ये रिपोर्ट हम लोग सबके सामने लेकर आएंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ पर बुलाया, और मैं हमेशा कहता हूँ हमारी टीम मिशन डायरेक्टर नहीं है, मिशन फैसिलिटेटर है, मिशन हम सबके साथ मिल के काम करते हैं। स्मार्ट सिटी में नेटवर्क्स किस तरह से हम सभी के साथ मिल के काम करें, वो एक स्मार्टनेस का एक प्रतिबिंब होता है। आपके शहर में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके शहर में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके साथ मिल के काम करें और सबकी शक्ति को एक साथ मिला करके अगर आप काम करेंगे तो निश्चित स्मार्ट हो पाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ, और अभी आप सभी को आगे की जर्नी के लिए, आपके शहरों में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।